दंतेवाड़ा जिले में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं किए जाने और विश्वासघात किए जाने का आरोप भाजपा ने सरकार पर लगाया। भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन दुर्गा मंच से किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम लिंगराज सिद्धार्थ को सौंपा है। भाजपाइयों ने मांग की है कि धान खरीदी के संबंध में राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे। किसानों से किए गए वादे के अनुसार सरकार द्वारा धान का एक एक दाना खरीदा जाए, कम से कम 15 दिन खरीदी की अवधि बढ़ाई जाए, एक जांच कमेटी का गठन कर लाठीचार्ज के दोषियों को पहचान कर उन्हें दंडित किया जाए। समूचे धान की खरीदी करें, उनको जो वादे उन्होंने किए थे पिछले 2 वर्ष के बोनस से लेकर गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने किसानों के साथ झूठे वादे करके जो छल किया गया है उसके विरोध में ये ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं। कांग्रेस का चेहरा को उजागर करता है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। जब तक हमारे किसानों का धान लेने का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम लगातार सड़क में डटे रहेंगे और हमारे किसानों को पूरा उचित मूल्य उनको देना पड़ेगा और हमारे हक को वो नहीं छीन सकते। हम पूरी तरह से इस लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे किसानों से हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। निश्चित रूप से हमारा किसानों का विजय होगा।